तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल? उम्मीद करो यार तुम्हारी जिंदगी सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, और अगर नहीं चल रहा हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो देखो, मैं यहाँ पे एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक तुम्हें क्विक अपडेट देने के लिए, और वो अपडेट ये है कि देखो, चार मोबाइल गेम्स हैं, मतलब चार एक ऐसी गेम्स हैं जो मोबाइल में आने वाली है बहुत ही जल्द, मोबाइल्स के लिए अवेलेबल होने वाली है। तो देखो, उनके नाम मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ होंगे गेम कौन सी, लेकिन फिर भी ना थोड़ी हाइप तो क्रिएट करनी चाहिए ना हमें भी, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली गेम जिसके बाद चल रही है वो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल पर, वो अभी हालांकि उसका नाम कंफर्म नहीं हुआ मोबाइल में कैसा होगा, बट देख सकते कैसा भी हो सकता है। और देखो, उस कोई बात ये है कि अभी उसकी प्राइवेट बीटा टेस्टिंग चल रही है, जो कि कुछ लकी लोगों को खेलने को तो मिली है, लेकिन बात ये है कि सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद उस गेम के पीछे क्राफ्ट टेंसेंट के हाथ से चल रहे हैं, तो प्रोबेबली वो नहीं आएगी इंडिया में अगर उसका वो पीछे टेंसेंट का हाथ है, ठीक है? और दूसरी गेम जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, बात करने वाले अभी, तो वो दूसरी गेम वो है भाई जिसको हम सब चाहती गेम, जिसका नाम है वैलोरेंट। जी हाँ, वैलोरेंट मोबाइल, समझ रहे हो ना भाई, वैलोरेंट मोबाइल, ठीक है? वैलोरेंट एक ऐसी इंडियन गेम है, मतलब इंडियन नहीं, सॉरी मेरे मुँह से निकली, वैलोरेंट एक ऐसी गेम है जो बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गई और वर्ल्ड वाइड उसे बहुत खेल रहे लोग, डेली रेगुलर लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं लोग, इतनी बड़ी बड़ी तुमने देखा ही होगा। तो यार, वैलोरेंट मोबाइल का प्लान आया है जो, लेकिन अभी उसकी बीटा टेस्टिंग नहीं चल रही, तो देखो ये वैलोरेंट मोबाइल अभी हो सकता है कि बन रही हो, इन प्रोसेस हो, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? पर ये कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ निकल के आई है कि वैलोरेंट मोबाइल भी आ सकती है मोबाइल में, तो क्योंकि उस पर हो सकते काम चल रहा है। और जो हमारी थर्ड गेम है वो है कॉड मोबाइल वार जोन, कॉड मोबाइल वार जोन ये, और कॉड वार जोन के बारे में जिसे नहीं पता है, वो एक पीसी गेम है जिसे आपने देखा होगा स्काउट लाइव स्ट्रीम में, बहुत लोगों की लाइव स्ट्रीम में, काफ़ी तगड़ी गेम है देखा जाए तो। बस हाँ, फर्क ये है कि FPP में है, क्योंकि हमारे एशियन सर्वर में FPP बहुत कम खेलते हैं लोग, मतलब ऑलमोस्ट भाई 10-20% लोग FPP खेलना करते हैं, तो भाई ऐसा भी नहीं है, लेकिन कि भाई लेकिन भाई वो अगर भाई तुम FPP के साथ थोड़ा बहुत जुड़ जाओ ना, मतलब क्या कहते हो इधर थोड़ी हाँ प्रैक्टिस करने के बाद FPP भी काफ़ी ईजी हो जाती है। पर देखते हैं, कॉड मोर जोन का भी मोबाइल का आने का प्लान है। और जो हमारी फोर्थ गेम है जिसका हमें पता ही है, वो है हमारी फोर्थ गेम पबजी मोबाइल न्यू स्टेट, ठीक है? ये जो पबजी मोबाइल न्यू स्टेट जिसकी प्री रजिस्ट्रेशन भी आ गई है, उसका सब कुछ आ चुका है, ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन बात ये कि अभी वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और शायद अगर नहीं होती है तो यार वो हम शायद नहीं कर पाएंगे, पर हमें तो पता है VPN कैसे कनेक्ट करते, तो कर भी सकते हैं हम डाउनलोड, ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं VPN कनेक्ट करना, जब लोगों को TikTok पबजी बैन होने के बाद भी चला रहे हैं, तो ठीक है ना, हम भी चला लेंगे, क्या जा रहा है उसमें। तो देखो, बात ये है पबजी मोबाइल जो न्यू स्टेट है, वो जो गेम है वो आ तो रही है, लेकिन वो हो सकता है कि इस ईयर आ जाए, या फिर ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आ जाए। पर देखो, ये जो गेम है ना, उसमें तो कहते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, वेलो और ये जो कॉड एम वोर्ड होना, ये इस ईयर तो नहीं आ पाएगी, सच बता रहा हूँ। हाँ देखो, एपेक्स लेजेंड्स और पबजी मोबाइल जो न्यू स्टेट है वो इस ईयर आ सकती है, क्योंकि एपेक्स लेजेंड की बीटा टेस्टिंग चालू हो गई है, जबकि अभी उसकी नहीं हुई है, क्या कहते हैं कौन है वो, बाकी वैलोरेंट और इन सब की नहीं हुई है, तो प्रोबेबली नहीं आएंगी ये इस ईयर। लेकिन अगर उन्होंने कुछ जल्दी जाबड़ तोड़ मेहनत करके कर दिया, तो इस ईयर भी आ सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनीज भाई पैसा लगाती है बहुत इन सब चीज़ों के अंदर। और देखो, तो एक अपडेट और देना था तुम्हें, हाँ एक बोनस गेम के बारे, तो एक साइको नाम की गेम है जो मेड इन इंडिया गेम है, ठीक है? मेड इन इंडिया मतलब अभी उसकी प्री रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई, अब तुम मेड इन इंडिया सोच के सोच रहे हो भाई 4G जैसी हुई, नहीं वो 4G जैसी बिल्कुल नहीं है उसके भाई, सच बता रहा हूँ, सुनने में ये आ रहा है भाई, जो ग्राफिक्स है ना एकदम CS:GO टाइप जैसे है, जिसको CS:GO के बारे में नहीं पता, वो एक गेम है भाई जिसका नाम है काउंटर स्ट्राइक, जो सिर्फ वो मेरे ख्याल से चाहता, मुझे लगता है PC के लिए ही है प्रॉबेबली, तो वो जो गेम के उसके टाइप के ग्राफिक्स है CS:GO टाइप्स के, तो सोचो मतलब एक मोबाइल में CS:GO टाइप के ग्राफिक है तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम लोग मेरे बारे में, मेरे ओपिनियन के बारे में जानना चाहो ना चाहो, पर मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि मेरा काम है बताना, ठीक है? मेरा ओपिनियन तो ये है, देखो मैं
सच बता रहा हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वैलोरेंट मोबाइल के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई वो गेम एक अलग ही लेवल है भाई, क्योंकि उसमें वो नहीं होता जैसे नॉर्मल गेम्स होते हैं, बस भागो रश पुश ये सब नहीं होता, उसमें एक अलग स्ट्रैटेजी टाइप गेम होती है वो, उसमें तुम अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, मतलब मुझे फ़ीचर नहीं पता उसके, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने उसकी लाइव स्ट्रीम देखी है, पर जहाँ तक मुझे पता उसमें पता नहीं कोई वो शील्ड टाइप होता है, पता नहीं वो होता क्या है, वो पता नहीं हाथों से कुछ फेंकते रहेंगे हाँ लेकिन उसमें एक अच्छी बात है, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर है, हर एक करेक्टर अपनी अलग अलग पावर है, क्योंकि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर लिए चीज़, ठीक है। लेकिन देखो मैं दो गेम के लिए तो एक्साइटेड हूँ, गॉड ऑफ मॉडर्न और वैलो मोबाइल। अब देखते हैं ये गेम आती है कि नहीं, लेकिन देखो 90% चांसेस है कि ये गेम आएंगी जो, और भाई सच बता रहा हूँ ये जब गेम रिलीज होगी ना सारी चारों के चारों भाई साहब तबड़ तोड़ तबाही मच जाएगी यूट्यूब इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के अंदर, मजाक नहीं कर रहा, तबाही मच जाएगी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, अलग ही लेवल पहुँच जाएगी यार इंडियन गेमिंग कम्युनिटी भाई सच बता रहा हूँ। तो देखो यार इतना आज के अपडेट के लिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो वीडियो के अंदर तो यार एक लाइक जरूर देना, इससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है अपने को, और एक शेयर और एक अच्छा सा प्यार से कमेंट कर दो और एक सब्सक्राइब भी कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा। तब तक के लिए पीस आउट।